हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी टू बी जी टी में आप सभी का वेलकम। तो गाइस आज क्या कहते हैं ना, तो यहाँ पे ना मैंने अपने बेबी को भी तैयार कर दिया है, यहाँ नहा ली है और पता नहीं कैसे नहा लिया, थोड़ा सा धूप निकल गया है तो मैंने सोचा इसको नहला दूँ, तो मैंने इसको नहला दिया है अपनी बेबी को। और इन्हें अभी मुझे थोड़ा पढ़ाना है, अभी पढ़ी नहीं है, मतलब इसका अभी ना मन नहीं हो रहा है पढ़ने का। बाकी सारी बुक्स वगैरह रख रखी है पढ़ने के लिए, टिफिन लिया है और सॉक्स निकाल के डाल दिए, ऐसा सब करती है पूरे दिन। और इससे पहले मैं ना जो भी मुझे टाइम मिला है इस टाइम में मैं क्या करूंगी थोड़ा देखते हैं। तो गाइस ये ले लिया मैंने मेथी का साग। और मेथी का साग ना वैसे भी बहुत छोटा छोटा होता है, इसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसे मैं ना दोपहर में ही बचे हुए टाइम में साफ़ कर लेती हूँ। जो भी इसकी डंडियाँ वगैरह होती हैं उनको तोड़ना होता है, मोटी मोटी डंडियों को। और साथ में इसमें अगर कुछ अदर्स पौधे होते हैं ना मिल जाते हैं जैसे घास के, उनको साफ़ करना है। तो मैं इसको अभी साफ़ कर लेती तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, नहीं तो रात को जल्दी जल्दी में साफ़ नहीं हो पाता है। एंड ये जब साफ़ हो गया ना तो आज मैं इसको हंसी से काटूंगी। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ हंसी से, मैं देखते हैं काट लेते हैं या नहीं। तो मैंने इसको हाथ में इस तरह से पकड़ लिया, मम्मी को देखा था इस तरह से कट करते हुए, तो वो यह ट्राई कर रही हूँ। और इस तरह से मेरी भी मम्मी काटती थी और जो मेरी सासू माँ हैं वो भी इसी तरह से काटती हैं। वैसे मैं उन्हीं से मेथी का साग कटवाती हूँ, लेकिन आज मैं खुद ही ट्राई कर रही हूँ इस तरह से, तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और मतलब एकदम मैन मैन आ रहा है, और मुझे लगता है ना कि चाकू की जगह हंसी से जल्दी ही कटता है, तो काफ़ी अच्छे से कट रहा है यहाँ पर। तो गाइस मेथी का साग हम इसी तरह से काट लेंगे धीरे धीरे सारा, और देखते हैं जल्दी से कटता है या देर लगता है। वैसे इसमें देर नहीं लग रही, मुझे लगता है कि मैंने इतना सारा मेथी साग लिया एक बार में ही कट गया। तो यहाँ पर मेथी साग मेरा सारा कट गया है। अब कटने के बाद जो बास्केट है ना मैं उसी में इसको रख दूँगी, पहले हंसी को मैं साफ करके और धो के रख दूँगी इसको, एंड जो साग है इसको इसी बास्केट में रख देते हैं। साग को साफ करने के बाद थोड़ा डस्टेड हो गया तो हम डस्टेड को साफ कर देते हैं, और क्योंकि क्लीन कर देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ये ज़्यादा वैसे भी नहीं है, सुबह झाड़ू पोछा कर चुकी थी मैं, लेकिन जो भी डस्ट हुआ उसको भी साफ़ कर देते हैं। थोड़ा टाइम मिला है बच्ची का पढ़ने का, जब मन कर रहा है ना तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी उसका मन है तो पढ़ लेगी। अभी भी मतलब कि मेरे से बुक ले रही है, बुक पढ़ना नहीं चाह रही, अपने आप पढ़ेंगी, ये करते हैं बच्चे। और मैं इसमें ना कुछ इसको लिख के दे दूँगी जिससे कि ये उसे कर लेगी, तो इसके बाद ये काम कर ले रही है अपना। और जो ए टू जेड मेरे पास आप देख रहे हो ना, बच्चे निकाल लेते हैं तो इनको पढ़ाने में नहीं बनता है, तो मैं इसे ना बहुत अच्छे से कवर कर दूँगी। पहले अपने बेबी को मैं थोड़ा सा काम दे देती हूँ जिससे कि वो करती रहेगी धीरे धीरे। मैं डॉट डॉट करके बना देती हूँ 1 2 3, तो ये अपने आप करती रहती काफ़ी अच्छे से कर लेती है फिर, क्योंकि 3 ईयर्स की है वैसे। और मैं एडमिशन भी करा देती लेकिन लॉकडाउन की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। ये देख लीजिए आप, 1 2 बनाया है मैंने और इनको दे देते, ये अपने आप कर लेंगी। अब ये जो मेरे पास ए टू जेड है ना इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी जिससे कि ना बच्चे खोल नहीं पाएंगे। अगर बच्चे खोल लेते हैं इसको तो सारे इधर उधर हो जाते हैं, तो बच्चे इसको गेम बना लेते हैं। तो मैं एक टैब से जो बड़ा वाला चौटा जो बड़ा वाला चौड़ा टेप आता है ना उसको मैंने लिया, उसको मैंने इसके जो ऊपर वाली कोन है उस पर भी लगा दिया, एंड चारों तरफ इसको इस तरह से लगा देंगे। चारों ही तरफ में लगाऊंगी मैं जिससे कि बेबी ना इसको ज़्यादा खेल नहीं बनाएगी और वो अंदर ही पैक रहेंगे, क्योंकि खोलने की हिम्मत करती है कि मैं इसको खोल लूँ, लेकिन मैं कह देती हूँ कि खुलेगा नहीं बेटा ये, तो नहीं खोल ले। लेकिन हाँ जिस दिन मौका मिला ना और उसी दिन खोल लेगी जिस दिन हम कोई भी इसके सामने नहीं होंगे। तो मैं इसीलिए चारों तरफ इसको पैक कर रही हूँ जिससे कि बेबी ज़्यादा इसको खोल नहीं पाए। तो गाइस इसमें ना मैंने टेप लगा दिया चारों तरफ। अब अगर इधर से ये ऐसे फालना चाहेगी ना तो ये फटेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें टेप लगाया है, एंड मैंने चारों तरफ इसको कवर कर दिया कि इधर से नहीं खुलेगा, तो इधर से भी खोलने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो ये किधर से भी अब नहीं खुलेगा, इधर से भी मैंने चारों तरफ इसमें टेप मार दिया है तो ये नहीं खुलेगा। क्योंकि ये जब ये खुल जाते ना तो बच्चों के लिए गेम हो जाता है उनका, तो गेम करने लगते हैं तो ये आपस में नहीं रहते हैं ना,
ये बच्चे कुछ अच्छे सीख नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको खोलने नहीं दिया, ऐसे बंद रखा। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे एक जेड में खत्म हो गया आकर, ए टू जेड इसमें अच्छे से कवर रहते हैं। तो ये अगर आप भी अपने बच्चों के लिए मंगा रहे हो तो ये कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अभी 3 इयर्स की है, वैसे एडमिशन भी हो जाता, लेकिन स्कूल नहीं खुले थे इस वक्त, इस वजह एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए मैं थोड़ा वो घर ले रीड कराती हूँ। और वैसे तो खुद ही बहुत होशियार है, हमें उल्टा पढ़ाती है। और चलिए आज का आप देखते हैं, ये देखो ये 3 बना के लाई है, 3 बना के लाए हो, अच्छा ये क्या लगाया आपने, ये क्या लगाया, क्या लगाया, ये लिपस्टिक इनने लगाया है, लिप कह रही, लीप किया है, लीप जैसे कहते हैं ना, जो पहले जो मकान हुआ करते ना उनमें जब लीप थे तो उनसे कहते लीप, तो ये इन्होंने लीप है, लीप किया है, लीप किया ना। किचन में पहले से 2-4 बर्तन पड़े थे तो उनको मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। खाने में अभी हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कुछ बनाना है कि इवनिंग का टाइम मैं है। ना पानी को भर के रखती हूँ खाने के लिए, जो पानी दूसरा होता है ताजा टंकी आता है उस पानी, तभी पानी को भर के रख देते हैं, उसी पानी का मैं खाना बनाती हूँ, उसी पानी को पीते हैं। ओके बेटा अभी टॉफी दे रहे हैं। तो अब दोपहर के हो रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है चावल और रोटी को बनाना शुरू, क्योंकि मैंने दाल और फूल गोभी की सब्जी ना सुबह ही बनाई थी, तो वो तो रखी है, लेकिन ये जो थोड़ा सा खाना बनाना है इसको बना लेते हैं। चावल को मैंने रख दिया है, भगोने में रखा है, तो चावल बन जाएंगे एंड रोटी सेकेंगे अब, क्योंकि रोटियों को सेक लेते हैं, फिर लंच की तैयारी हो जाएगी, लंच सभी लोग करेंगे। तो रख दिया है गाइस, ये जो हमारा किचन है ना आपको गंदा दिखता होगा लेकिन गंदा है बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है ना, ये जो सारी है ये जो बर्तन लगाते हैं ना उसके छिट्टे हैं, और बाकी ये कुछ गंदा नहीं है। ये जो मेरा साड़ी ना, इसके बारे में आपको बताऊंगी, ये मेरा गरम साड़ी है विंटर्स में पहनने वाला, इसके बारे में किसी दिन आपको बताती हूँ मैं। एक तरफ चावल बनना है, चावल बन के रेडी हो जाएंगे, और दूसरी तरफ मैं रोटियां सेक लेती हूँ, रोटियां जो सेक जाएंगी तभी मैं खाना दे देती हूँ खाने को, और पहले पापा जी को दे देंगे, वो खा लेंगे, बाकी चावल तो बनते रहेंगे। दाल को ना मैंने सुबह बनाया था, तो सुबह वाली ये दाल देखो कैसे बिल्कुल ऐसे कतली की तरह जम रही, जैसे कि हम हलवा कभी कभी बनाते हैं, नहीं इस तरह हलवा, तो उस तरह की दाल हो रही है। तो अभी इसमें तड़कन लगना बाकी है, तड़कन लगाएंगे इसमें, अरहर की दाल है, और सुबह को ही मैंने गोभी बनाई थी, तो गोभी नाश्ते में भी चलाई थी, गोभी और मूली का साग। तो इसमें अब तड़कन लगाएंगे, गरम करके पहले तड़कन लगाएंगे, तो गरम करेंगे ना तो ये खुद ना खुद पतली हो जाएगी, जम के थोड़ी सी ऐसी हो गई है, ठंड बहुत हो रही है इसलिए जम जा रही है। दाल को ना मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ, गर्म कर लेती हूँ इसको। तो गाइस दाल ना गर्म करने के बाद देख सकते हैं कितनी पतली हो गई है और अच्छे से गर्म हो गई है। तड़कन लगा देते हैं अब इसमें हम, तो इसमें मिर्च तो डाल दी, अब जब मिर्च ब्राउन हो जाएगी बिल्कुल काली हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें हींग डाल दूंगी। तो ये हो गया जी तड़का हमारा तैयार, ये देखिए तड़कन लग गया, दाल देखिए कितनी अच्छी कितनी स्वादिष्ट लग रही है देखने में। तो चावल भी रेडी हो गए, थोड़ा सा इन्हें भरकने और देते हैं ढककर। अब हो गया है क्लीनिंग टाइम, क्लीनिंग कर देते हैं प्लेट से ना, इनको निकाल देते हैं, और इसमें मैंने गोभी गर्म कर ली थी उसी डाल दी, और दवा देख सकते हैं इसको भी मैं साफ कर दी, रोज के रोज इतना ही गंदा हो जाता है, क्या करता है और क्या। तो गाइस यहाँ पे ना चूल्हा थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो चूल्हा को मैं रोज़ के रोज़ साफ करती हूँ इस तरह से, तो डेली ही साफ होता है 2-3 टाइम में ये, सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाओ तो, और इवनिंग में भी और नाइट में भी 3 बार करीब साफ हो जाता है चूल्हा, और जब भी ना तभी मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ रहता है, लेकिन जो डस्ट वगैरह होती है उसकी वजह से मैं इसको डेली ही धोती हूँ, एंड पूरा स्लीव धोती हूँ, जो पूरा टाइल्स भी धोती हूँ अच्छे से, और ताकि कोई भी, क्योंकि टाइल्स होते हैं ना बहुत ही जल्दी चिपचिप से होने लगते हैं, तो उनको भी मैं हमेशा इसी तरह से पूरी किचन को अपनी वॉश करती हूँ, और क्लीन हो जाती पूरी इस
इस तरह से बहुत ही ज़्यादा साफ लगती है इस तरह से डेली ही साफ करने में। एंड पानी से मैं जब चूल्हा साफ कर दूंगी एंड पूरी स्लीप साफ कर देंगे, क्योंकि गंदी तो हो ही जाती है डेली की डेली, तो डेली डेली इतना काम, इतना मेरा किचन का रूटीन डेली का है। और जो होगा मैं और भी बहुत है, अभी तो एक आधा ही है, ये तो आधा भी नहीं, आधे से भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जिस कभी अगर मैंने अपने किचन की क्लीनिंग की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ अपनी किचन की, क्योंकि बहुत टाइम भी लगता है उसमें, करीब मुझे 2-3 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं। एंड अब कर लेती हूँ मैं जो भी कुछ, देखिए अब तवा बिल्कुल साफ़ हो गया ना यहाँ पर, तवा जब गंदा तो हो ही जाता है, लेकिन जब हम साफ़ करते तो अच्छे से अगर साफ़ करोगे तो बिल्कुल चमक जाएगा, तो यहाँ पर इसका कालापन बिल्कुल चला गया और अच्छे से चमक गया। एंड आप देखिए आप मेरा किचन जो मैंने क्लीनिंग की है, तो हम देख सकते हैं पूरा क्लीन कर दिया किचन मैंने यहाँ पर और क्लीन। तो गाइस अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे